हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएसक्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी बताए, हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करें, यहाँ पर 3D के बारे में डिस्कस करें। तो 3D के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉरस टूल को। टॉरस टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर टॉरस किस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर टॉरस कमांड किस तरह से यहाँ पर इनेबल किया जा सकता है और किस तरह से यहाँ पर वर्किंग में लाया जा सकता है, इन सभी के बारे में वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली बात करें यहाँ पर टॉरस कमांड के लिए, तो टॉरस कमांड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक पाइपलाइन को यदि आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर टॉरस कमांड का यूज कर सकते हैं। बेसिकली बात करें यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है TOR। जैसे ही आप यहाँ पर TOR एंटर करेंगे तो टॉरस कमांड इनेबल हो जाएगा। टॉरस कमांड इनेबल होने के बाद यहाँ पर पूछा जाएगा स्पेसिफाई सेंटर। यस, आप उसे सेंटर दे सकते हैं या फिर 2 पॉइंट सर्कल या 3 पॉइंट या TTR। जैसे आप यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जाएगा आपके पास रेडियस, वो आपके पास रेडियस देनी है। फिर उसके बाद आपके पूछा जाएगा ट्यूब की रेडियस। यदि आप यहाँ पर ट्यूब की रेडियस देना चाहे तो ट्यूब की रेडियस दे सकते हैं, डायमीटर देना चाहे डायमीटर दे सकते हैं, या फिर बात करना चाहूँ आप यहाँ पर 2 पॉइंट देना चाहेंगे, कोई भी 2 पॉइंट देना चाहेंगे तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। बेसिकली बात की जाए, यहाँ पर टॉरस जो आपके पास बनने वाला है वो यहाँ पर प्रॉपरली एक सर्कुलर शेप के अंदर बनने वाला है, और सर्कुलर शेप के अंदर ही आपके पास यहाँ पर टॉरस रेडी होने वाला है। क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर आप सभी को। अब चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि टॉरस कमांड किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर। तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद जो आपके पास यहाँ पे टूल्स चल रहे थे, यहाँ पे जो आपके पास ड्रॉइंग टूल्स चल रहे थे उसके अंदर यहाँ पर बात करें तो टॉरस आपके पास दिख जाएगा। या फिर इसका शॉर्टकट कमांड के बारे में बात करूं, यहाँ पर सिंपल सा यहाँ पर क्या है, TOR यहाँ पर एंटर करना है तो टॉरस आपको मिल जाएगा, और टॉरस एड करते ही टॉरस एंटर क्लिक हो जाएगा। उसके पास बाद में आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कमांड विंडो के अंदर शो हो रहा है, आप यहाँ पर सेंटर पॉइंट दे सकते हैं या फिर 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या TTR जो आपको देना है वो आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। जैसे की बात करूं यहाँ पर सिंपल सा मुझे सेंटर पॉइंट देना है तो मैं सेंटर पॉइंट दे दूंगा। सेंटर पॉइंट देने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पास यहाँ पर क्या रेडी हो रहा है, एक सर्कल रेडी हो रहा है। यस, यहाँ पर आप सर्कल को रेडी कर सकते हैं। सर्कल को रेडी करने के बाद अब आप यहाँ पे आपको उसकी रेडियस पूछी जाएगी कि आप इसे रेडियस देना चाहे तो रेडियस, डायमीटर देना चाहे तो आप यहाँ पर डायमीटर को रेडी कर सकते हैं। जैसे बात करूँ रेडियस देनी है मुझे यहाँ पर सिंपल सी, तो यहाँ पर रेडियस दे सकता हूँ 150 की रेडियस दे देता हूँ यहाँ पर सिंपल सी, तो 150 की रेडियस का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बात करें यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है टॉप ऑफ द रेडियस। देखिए यहाँ पर बात करें, यदि आप इसको पूरा रोल करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपके पास जैसे जैसे इसको जूम करते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास यहाँ पर स्पेयर बनता रहेगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पर स्मॉल करेंगे, जैसे इसकी रेडियस को स्मॉल करते हुए चल रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर और स्मॉल करूंगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर देखिए थोड़ा और जूम करते हैं और इसको और जूम करते हुए और स्मॉल करते हुए रेडियस के अंदर चलते हैं। देखिए रेडियस के अंदर करने पर आपके पास देखिए जैसे जैसे आप इसकी रेडियस को यहाँ पर मूवमेंट दे रहे हैं, जैसे मैं इनसाइड ऑफ द रेडियस को यहाँ पर मूवमेंट कर रहा हूँ वैसे वैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वैसे वैसे इसका टॉरस रेडी हो चुका है। यस, बात करें यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर F8 थ्रू हटा के डिसेबल कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मूवमेंट कराता हूँ। जैसे यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पर बेसिकली 50 एंटर कर देते हैं, सिंपल सा आपको क्लियर हो चुका। 50 एंटर करने पर देखिए आपके पास टॉरस रेडी हो चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं प्रॉपरली यहाँ पर जो टॉरस है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि टॉरस किस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर से देखिए हमारे पास और कौन कौन से कमांड है, उन सभी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे आपके पास वही 2 पॉइंट कमांड, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या फिर TTR आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली बात करें यहाँ पर आपको जो सेंटर है वो आपको सेंटर देना पड़ेगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर आपके इसकी डायमीटर या रेडियस दे सकते हैं, तो बेसिकली बात करना चाहूँ आप इसकी डायमीटर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डायमीटर दे दी है, इस बार दे दी है 200 इसकी डायमीटर, रेडियस दे दी है। रेडियस देने के बाद अब आप यहाँ पर 2 पॉइंट या डायमीटर दे सकते हैं। बेसिकली बात करें तो मैं सिंपल से यहाँ पर डायमीटर के लिए डी एंटर करूंगा। डी एंटर करने के बाद यहाँ पर एंटर प्रेस करने के बाद मुझसे पूछा जाएगा इसकी डायमीटर आप क्या देना चाहते हैं। जैसे कि बात करूँ यहाँ पर मैंने इसकी डायमीटर डिसाइड कर ली है 60। जैसे आप यहाँ पर 60 एंटर करेंगे तो आपके पास एक रिंग दिख जाएगी, आपके पास सिंपल सी एक टॉरस रीडिंग दिख जाएगी। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि टॉरस रिंग किस तरह से बनाई जा सकती है। क्लियर, अब समझते हैं यहाँ पर 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और TTR में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करूँ, सबसे पहले मैंने टॉरस को इनेबल किया। टॉरस को इनेबल करने के बाद मुझे सिंपल सा 3P एंटर करना है 3 पॉइंट के लिए। 3 पॉइंट एंटर करने के बाद अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कोई भी आप 3 पॉइंट दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया, इसके बाद सेकंड पॉइंट दिया, उसके बाद आपके पास थर्ड पॉइंट दिया, कोई भी आप इसके 3 पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद आप इसकी रेडियस को डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपके पास रेडियस है, डायमीटर है, जो भी आप डिसाइड करना चाहे वो आप यहाँ डिसाइड कर लीजिए और क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास जो टॉरस है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर टॉरस किस तरह से रेडी किया जा रहा है। क्लियर, उसके बाद बात करें यहाँ पर 2 पॉइंट के लिए, तो 2P एंटर करना है। 2P एंटर करने के बाद आपके पास जो भी 2 पॉइंट्स है वो आप यहाँ पर 2 पॉइंट क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपके पास डायमीटर कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर जितना आपका टॉरस रेडियस है, टॉरस रेडियस का मतलब क्या है, जो आपके पास यहाँ सर्कुलर शेप के अंदर रिंग बन रही है उसके अंदर जो डायमीटर्स यूज हो रहा है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर 2 पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा क्लिक किया तो यहाँ पर 2 पॉइंट का बन चुका है। क्लियर,
टॉरस क्लिक किया, मेरे को यहाँ पर सिंपल से देखिए एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल सी एंटर प्रेस कर देता हूँ और फिर से एक लाइन और ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर टॉरस के लिए, सिंपल सा टी ओ आर एंटर करना है, टॉरस क्लिक करना है। उसके बाद बात करें टीटीआर के बारे में, मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस के बारे में, तो देखिए सिंपल सा आप देखिए इसको टेंजेंट क्लिक कर दीजिए, ये वाले जो पॉइंट है इसको भी आप टेंजेंट क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जो इसकी रेडियस देना चाहे रेडियस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसकी रेडियस डिसाइड कर ली है 200 डिसाइड कर ली है और एंटर प्रेस कर देता हूं, तो ये 200 का रेडियस का बन चुका है, क्लियर। उसके बाद बात करूं इसकी डायमीटर डिसाइड करनी है, तो डायमीटर आप इसका सिंपल सा आप यहाँ पर मैं इसकी डायमीटर या रेडियस रेडियस की बात करता हूँ तो 30 डिसाइड कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो टॉरस बन चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्मॉल सा टॉरस बन चुका है मेरे पास, क्लियर। ओके, अब बात करें यहाँ पर फिर से टॉरस के बारे में, तो देखिए सिंपल सा आप टॉरस को क्लिक कर सकते हैं, आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट रेडियस ले सकते हैं, 2 पॉइंट के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा 2 पॉइंट को क्लिक कीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट को क्लिक कर दिया है। उसके बाद देखिए आपके पास पूछा जा रहा है इसकी डायमीटर्स या फिर आप इसकी 2 पॉइंट से दे सकते हैं, तो सिंपल सा मैंने 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। 2 पॉइंट के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा कि आपके पास जो रेफरेंस लाइन है उसके रेफरेंस लाइन के अलॉन्ग आप यहाँ पर इसका टॉरस को डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट रेफरेंस लाइन ली, सेकंड रेफरेंस लाइन ली, तो आपके पास टॉरस रेडी हो चुका है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर टॉरस को बनाना है और किस तरह से आपको यूज करना है, क्लियर। ओके, तो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।